बार बताते हो कि शोर कहते किसको। हाय हाय रुबा तू की रोला पाया है, अगे नाल दे ने घट रोला पाया, उन्होंने मकान बना दिया ठक ठक उन्होंने लाई है, उतो तू शुरू कर दी है, की दौरा पै गया तेनू अज। जब तक ये आके माफी नहीं मांगेंगे ना तब तक मैं शोर करना बंद नहीं करूंगी। अम्मी ये बहुत शोर करते हैं, अब इनको पता चलेगा कि जब अरूपा शोर करती है ना तो कितना हौलनाक मंजर होता है। नी हुन जे तू रोला पाया ने किसे भी शहर नु हाथ लाया तो मैं तेरे हाथ पांदे ने, जा के कमरे सो अपने, नींद हराम कीती है मेरी। लो जी ये क्या बात है, इनका फायदा भी सोचो और इनसे डांटे भी खाओ। मैं नहीं करती कुछ भी। तो दार्जिलिंग देखे जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता है सूरज की रिएक्शन आपके पड़ता है, स्किन डैमेज होती है, तो घर से जब भी निकले अपनी स्किन को ढाक के निकले, मास्क के साथ कवर करें ताकि आपकी स्किन बची रहे। अरुबा बच्चे मेरी बात सुनो। जी अबू। और बेटा तुम मुझे परसों कह रही थी ना अबू मैंने पार्क जाना है, तो आज मैं काम से ना जल्दी फ्री होके आ गया हूँ, उठो मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊँ। वो आज तो मैं फुल मजा करूंगी, पार्क के अंदर अपनी मर्जी के झूले लूंगी। अबू मैं ना बस 2 मिनट में ना फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, मैं बाहर बैठूँ। ओके लो जी मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं चलती हूँ पार्क। हाय अल्लाह नहीं, मुझे याद आया मैंने तो अभी सुना है कि बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, नहीं तो मिट्टी से सारा मुंह बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास तो इतने मास्क पड़े हुए हैं, मैं उनमें से कोई एक पहन लेती हूँ। अब मुझे चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ। पागल है तू, एक ही बार क्या आ गई है तू पार्क से खेड़े जाना के लोगों ने डरा जाना है, मैं नहीं खेड़ा ला के छोटे नू। अबू जी क्या हो गया आपको, मैं आपको बताते हूँ, मैं ना आज डॉक्टरों की वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे कि जब भी घर से बाहर निकले ना तो डस्ट से बचने के लिए ना आप मास्क लगा ले, तो इसलिए मैंने ये वाला मास्क लगाया। आप तो एम ही डर गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पार्क ऐसे ही जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार है, आपने मुझे ऐसे नहीं लेके जाना ना, आप मुझे ना लेके जाए सारा घर ही पागल है। एक ही शायद ये वाला गाना बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, वैसे भी डांस में मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैडम सरोज, फराहान, रेमो डिसूज़ा, टेरेंस, ये जितने भी हैं ना ये मेरा डांस एक दफ़ा देख लेना तो ये मेरे तलवे चटेंगे। मैं तो इधर हूँ ना, अगर मैं इंडिया में होती ना तो मैं धूम मचा देती डांस के अंदर। घर में तो कोई भी नहीं है, मैं आज थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ आवाज़ ऊँची करके। हाय अभी तो बस सही शुरू नहीं हुई, मैंने जिस दिन माइकल जैक्सन को हाथ में अपना डांस सिखाया था ना अगले दिन ही दुनिया छोड़ गया था, इतना इनसिक्योर हो गया था ये। हाय अल्लाह कलर करने का तो बड़ा मजा आ रहा है, मगर मेरे जहन में एक बात आई है, वो बात ये है कि ये जो इस डायन ने बुरका पहना हुआ है यही बुरका अगर मैं अम्मी को पहना दूं तो अम्मी भी यही वाली डायन लगेंगी। वाह सिंड्रेला कितनी प्यारी है, वैसे यही फ्रॉक अगर मैंने पहना हो ना तो मैं भी किसी सिंड्रेला से कम नहीं लगूंगी, लेकिन हाथ पे चूहा कैसे रखूंगी यार। नहीं रूबा मेरी गल सुन, फटाफट टेबल साफ कर, मैं ना रोटी लानी है। अच्छा अम्मी कर देती हूँ, पहले आप मेरी बात सुने। हाँ बोल की है। अम्मी आप ना मुझे बाजार से एक चूहा ला के दे और साथ ना अपने साइज का एक बुरका ले के आ। हाय रे तो किड्डी तरक्की है, तू चूहा की करना वे, बुरे का की काम है मेरा। अम्मी आपने पहनना वो वाला बुरका
और मैंने ना नीली कलर की अपनी और पुरानी फ्रॉक नहीं है वो पहननी और हाथ पे मैंने रखना है चूहा। उसके बाद आप बनेंगी डैन और मैं बनूंगी सिंड्रेला। ठीक क्या है मेनु डैन बनाना मैं तेरे मुंह ते चपेड़ मारनी नाले किड्डी तू तरक्की है कि तू चूहा हाथ च फंडा में और ऊपर मिंडे हरी गल्ला ना कर मेरा दिमाग खराब कर तेरी जी सिंड्रेला ने डैरी है ना मैं पाड़ देनी है एवे अम्मी आपरा मेरे सिंड्रेला वाले काफी फाड़ने है मुझे तेरी पसंद है राखो तुझे चूहे फिरते हैं आपके किचन के अंदर सारा दिन आप उनके साथ किचन में खाने वगैरह पकाती हैं वो तो आपके दोस्त है ना वहीं पे खाते हैं वहीं पे सोते हैं अब वो आपको बुरे लगने लग गए हैं और डैन से आपको क्या मसला है दादा भी तो आपको कितनी दफा डैन कहती हैं। एक तो मैं तेरी दादी को बड़ा थका हजार रे अच्छे बच्चे के सामने आज फासले यूज करे करो अनाज तेरी गठन भी जबान ना कहते मैं खिंच के ना सारी बार काट देनी मेरे ते बक बक ना करे कर जिन्ना काम करे ना वो कर। अच्छा जी मेरी कॉल से इतनी लंबी जबान है जिस तरह वो स्नो ब्रॉस की आखिरी चुड़ैल की है जो आप खींचती जाएंगी तो खींची चली जाएगी ऐसे नहीं होता अम्मी जी बातें वो मेरे साथ किया करे जो मुझे समझ में नहीं आए। अबू मेरी बात सुने जी बच्चे मेरी शादी कब होनी है मेरा भी ना कसम से बड़ा दिल करता है कि मैं भी नए कपड़े पहन के ना दुल्हन बन के बैठूं। देखो बेटा अब आप बड़े हो गए हो आप बच्चे नहीं रहे तो मैं नहीं चाहता आपसे कोई बात छुपी रहे जो आप जैसे लोग होते हैं ना उनको दुनिया बहुत बुरा समझती है उनसे कोई शादी नहीं करता। क्यों अबू मैं इंसान नहीं हूँ मेरे क्यों नहीं होनी भला। बेटा जी मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ ना कि शादी आपकी नहीं मैंने करनी लोग नहीं अच्छा समझते ऐसे लोगों को आप क्यों बार बार एक ही बात कर रहे हो। अबू अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं सारी जिंदगी फिर कहाँ पे रहूंगी। बेटा ये कैसी बात कर दी आपने आपका बाप है आपकी अम्मी है बहन भाई है आप हमारे पास रहोगे इतना खुश रखेंगे हम आपको। अबू मैं ना एक बात से बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कभी कभी मुझे समझ नहीं आती फिर लेकिन मैं ना अब अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप दोनों के जाने से पहले ना मैं ही चली जाऊँ इस दुनिया से क्योंकि मेरा आप लोग के अलावा कोई नहीं है और अगर आप लोग पहले चले गए फिर तो मैं दर दर रुलूंगी आप ही अपने घर चली जाएंगी भाई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा और मेरा कौन होगा आप लोगों के अलावा इसलिए अबू आप फिक्र ना किया करें मैं पहले चली जाऊंगी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। ना मेरा बच्चा आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना आपके पापा मामा सब साथ है ना हम आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे मेरी जान आप हमेशा खुश रहोगे इस घर में। अच्छा अबू मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी आप परेशान ना हो मेरी वजह से मैं अपने पापा को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकती मैं ना अभी आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ आप ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे अबू ठीक है। ऐसी औलाद भी अल्लाह ताला का तोहफा ही होता है।